हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास क्लास 12 का बासवन दत्ता बुक उसका जो आपका ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका मैं 49 नंबर सम्स, जिसमें मेरा 49 नंबर सम्स में मेरा बुक एक्चुअली ओल्ड एडिशन है। इस वजह से 49 नंबर सम्स में मॉर्गन एंड कंपनी लिमिटेड का सम है। ये है आपका इशू ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश का एंड अदर वे ऑफ इशूइंग शेयर अदर देन कैश का जो है उसका ही मैं ये 49 नंबर सम मॉर्गन एंड कंपनी लिमिटेड का देने जा रही हूँ। मैं अभी दो चार दिनों से, मतलब एक दो सप्ताह से इसी का अदर देन कैश का ही सम दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था इसका सम्स का, और मैं उसके रूल्स भी, लास्ट जो मैंने सम दिया है उसमें मैंने इसका बहुत सारा रूल्स भी बताया है। और प्लीज़ आप कोई भी वीडियो देखिएगा, कोई भी चैप्टर का अगर वीडियो देखना जा रहा है उसका आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझ के ही करिएगा, तो प्लीज़ पार्ट वन वीडियो देखिएगा। पार्ट वन वीडियो में आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आपको सबसे अच्छे से बनेगा और समझ में भी आएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी चैप्टर का आप अगर देखना चाह रहे हो उसका पार्ट वन वीडियो देख के ही करिएगा। तो आज मैं इसी का क्लास 12 बासवन दत्ता का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का 49 नंबर सर मॉर्गन एंड कंपनी लिमिटेड का देने जा रही हूँ अदर देन कैश का। चलिए देखिए 49 नंबर सर्स में। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन लेना है तो प्लीज़ कमेंट करिए ये। ठीक है, चलिए। मॉर्गन एंड कंपनी लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर्म कुक एंड कंपनी लिमिटेड। मॉर्गन एंड कंपनी लिमिटेड खरीदा है मशीन कुक एंड कंपनी लिमिटेड से, कितने का? देखिए 8 लाख का। एज पर द टर्म्स परचेस, आपको इसी सबसे समझ में आ जाएगा, अमाउंट दिया है ना यहाँ पे, कंपनी टू कंपनी परचेस किया है मशीन, इसी से पता चल जाता है अदर देन कैश का सम है। एज पर द टर्म्स परचेस कंसिडरेशन ऑफ ₹80,000 इज टू बी पेड इन द कैश एंड बैलेंस विल बी पेड बाई इशू ऑफ शेयर। देखिए किस किस में पेड हुआ है। पहले तो पेड हुआ है आपका 80,000 जो है कैश में, और बाकी जो है वो इशू ऑफ शेयर में, मतलब दो पार्ट में हुआ है, चेक में नहीं हुआ है। ठीक है, उसका 10 रुपये फेस वैल्यू है। व्हाट एंट्री द पास द शेयर आर इशूड, मतलब जनरल एंट्री आपको तीन तरीके से देना है। देखिए एट पर 10 रुपीज़ शेयर, दो नंबर में है 20% डिस्काउंट करके, थर्ड नंबर में आपको 20% प्रीमियम करके दिखाना है, मतलब तीन तरीके से आपको दिखाना है ये सम्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं ऐसा सब। मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है लेकिन फिर इस तरीके से एक ही सम में तीनों आया है फर्स्ट टाइम, तो चलिए हम लोग करते हैं इस सम्स को। ये रहा मेरा 49 नंबर सम, ऊपर में लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ मॉर्गन एंड कंपनी लिमिटेड डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट। डेट तो दिया नहीं है तो आप कुछ भी नंबर या रोमन नंबर से दे सकते हैं। यहाँ देखिए 1 रोमन नंबर करके 2, 3 दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको पता ही है यहाँ मशीन खरीदा गया है, यहाँ मशीन खरीदा गया तो क्या होगा, जनरल क्लास 11 में आपने किया होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, कुक एंड कंपनी लिमिटेड। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कुक एंड कंपनी लिमिटेड। आप नरेशन जरूर दीजिएगा, मेरा कोई भी एक वीडियो का आप नरेशन देख लीजिएगा, सबका नरेशन सेम है, नेम और रुपीज़ चेंज होता है, इसलिए हर जगह मैं नहीं दी हूँ, आप ज़रूर दीजिएगा, ज़रूरी है देना, जब तक आपको दिखा ना रहे अगर बोल दे कि नॉट नेसेसरी तब मत दीजिएगा, लेकिन अभी से प्रैक्टिस रखिए तो हैबिट रहेगा। तो चलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कुक एंड कंपनी लिमिटेड 8 लाख का रुपीज़ था, देखिए 8 लाख में ख़रीदा था इसलिए 8 लाख मैंने लिख दिया। सेकेंड जर्नल देखिए क्या होगा, कुक एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर। ये दोनों क्यों आया, टू बैंक एंड टू इक्विटी शेयर, ये देखिए यहाँ पे ये रहा, कहाँ गया सम्स, ये रहा, ये देखिए 80,000 इज टू बी पेड इन कैश। आप कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं, आप कैश भी, कैश ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको समय चेक रहता तो बैंक लिख देते, कैश भी लिख सकते हैं बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कैश भी लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो देखिए ये अब 80,000 कैश में और बैलेंस बाकी जो है इशू ऑफ शेयर रुपीज़ 10 करके, तो यही मैंने किया क्या, कुक एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश लिखे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ तो इसका अमाउंट तो पता ही है 8 लाख रुपया है, लेकिन यहाँ कैसे आपको इसमें तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है ऑफ रुपीज़ 10 ईच, तो इसके लिए आपको जो शेयर चाहिए होगा, तो वर्किंग नोट खोलिए, ये देखिए वर्किंग नोट मैंने खोला, इसमें देखिए 8 लाख रुपया में वो 80,000 कैश या बैंक के रूप में कर चुका है, तो वही 80,000 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये बुक में गिवन है 80,000। ठीक है, 80,000 हो गया, तो 8 लाख में 80,000 चला गया तो कितना बचा, 7 लाख 20 हज़ार
ठीक है, 7,20,000 हुआ। अब शेयर, अगर आपको शेयर चाहिए होगा ऐसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7,20,000 अमाउंट आपको मिल गया, क्योंकि 80,000 का अमाउंट है, 8,00,000 अमाउंट है, तो इन दोनों से माइनस करके 7,20,000 भी मिल गया। लेकिन अगर आपको शेयर चाहिए होगा कि पता कैसे चलेगा, ये तो माइनस करके आपको यहाँ निकला है, लेकिन आपको अगर पता करना होगा कि कैसे करके हो रहा है तो वो देखिए, 7,20,000 है तो 7,20,000 मैंने लिखा, 10 रुपीज़ ईच है तो 10 से डिवाइड किया तो 72,000 हुआ शेयर्स, ठीक है। तो 72,000 शेयर्स इंटू 10 तो कितना हो गया, 7,20,000। देखिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया, या तो माइनस करके करिए इस तरीके से, लेकिन समझिए क्योंकि शेयर्स में जाना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर में आइए, कुक एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट है भी, 2 बैंक अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया किसका, देखिए ये एट पार मैंने किया है, ये एट पार था आपका रोमन नंबर 1, ठीक है। अब रोमन नंबर 2 आइए, ठीक है। रोमन नंबर 2 में आपको बोला है कि आपको 20% किस में लेना है, ये देखिए मेरा ना प्रीमियम जो है पहले हो गया है भूल से, ये होता डिस्काउंट फिर प्रीमियम आप करते, लेकिन मैंने पहले प्रीमियम का कर दिया, तो ये रोमन नंबर 3 का है और ये रोमन नंबर 2 का है, ठीक है। ये जनरल है 1, 2, 3, 4 और ये रोमन नंबर 1 एट पार के हिसाब से, ये मैंने प्रीमियम यहाँ दे दिया है, तो ये प्रीमियम वाला मेरा यहाँ होगा और ये वाला यहाँ होगा, डिस्काउंट वाला मैंने कर दिया यहाँ, आप ठीक कर लीजिएगा, ये जनरल इधर, ये जनरल इधर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले प्रीमियम का जब किए हैं तो वही समझ लेते हैं। एट 20% प्रीमियम है यह, देखिए तो पहले क्या जनरल होगा आपको पता ही होगा, जैसे आप लोग करते हैं नॉर्मल, कुक एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 बैंक अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ये दोनों भी आएगा ही, ये दोनों क्योंकि इसी में पेमेंट हुआ है ऐसे ही, तो ये दोनों तो आएगा ही। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया क्योंकि यहाँ बोला है 20% प्रीमियम, तो 20% प्रीमियम ले लिए हम लोगों ने, हाँ देखिए 20 ये हो गया। तो इसका भी जनरल सेम ही है 8,00,000, यहाँ पर आपको तो बुक में ही गिवेन था 80,000, तो इसका भी ये गिवेन ही है, मतलब बुक में दिया ही है। इसका देख लीजिए क्योंकि यहाँ प्रीमियम है, तो यहाँ का शेयर अब चेंज हो जाएगा, यहाँ प्रीमियम नहीं था तो नॉर्मल था, अब यहाँ का प्रीमियम देखिए। इसके लिए आप नोट नंबर मेरा 2 देखिए, ठीक है, सी नोट 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है। ऑनरेशन सब में कंपलसरी देना, देखिए तो अब यहाँ पे 8,00,000 से 80,000 गया, तो यहाँ भी वही 7,20,000 आया, ये एड प्रीमियम का मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये 12 कैसे आया, देखिए आपको क्या बोला है, ये देखिए 20% फेस वैल्यू आपका 10 रुपया ही करके था, तो 20% हुआ, तो देखिए 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, उसका 20% कितना हुआ, 20/100 कैंसिलेशन कीजिएगा पूरा, तो 2 रुपया हुआ, तो मतलब प्रीमियम आपका कितना हुआ, 2 रुपया, और 10 रुपया आपका फेस वैल्यू, तो 10 + 2 = 12 हो गया, ठीक है, वही 12 यहाँ आ गया, ठीक है। तो 12 हो गया, इसे डिवाइड कीजिए तो आपको 60,000 का शेयर मिल गया, देखिए यही 12 जो है प्रीमियम, ये 10 रुपया फेस वैल्यू तो ईच रुपीज़ बोला था ना ये, और ये 2 रुपया आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो 12 रुपया हुआ, 12 रुपये यहाँ आ गया, इसे डिवाइड की तो 60,000 आपका शेयर्स मिल गया, ठीक है। शेयर्स जाना जरूरी है तभी बनेगा सम, 60,000 हुआ, 60,000 मैंने प्रीमियम लिया, उसका 2 रुपया आपको प्रीमियम यहाँ मिला, इससे ये रहा, तो वही 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 हो गया, 60,000 आपका शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम मिली है, तो यहाँ कितना 10 रुपया ही था आपका बुक में भी बोला था, और 10 रुपया तो ये 10 रुपया हो गया, ठीक है। तो 60,000 ही होगा, सॉरी 6,00,000 होगा, 60,000 को इंटू 10 कीजिएगा तो 6,00,000, 2 रुपया आपका प्रीमियम, 1,20,000, ठीक है। टोटल ऐड कीजिए तो 8,00,000 आपको मिल जाएगा, यहाँ 8,00,000 है, यहाँ 80,000 बैंक वही कैश रुपये में जो पेमेंट किया था बुक में दिया हुआ है, इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। यहाँ आपका 60,000 शेयर मैंने नीचे वर्किंग नोट में निकाला, 10 रुपया फेस वैल्यू था ही, 6,00,000 हो गया, 2 रुपया प्रीमियम मैंने दिखा दिया आपको नीचे वर्किंग में, और ये आपका ये हो गया, ठीक है, 1,20,000, तो ये टोटल हो गया 8,00,000। अब आ जाइए बुक के हिसाब से 2 नंबर एट 20% डिस्काउंट, ये मैंने भूल से नीचे कर दिया है 2 नंबर। जनरल कुछ नहीं, जनरल तो वही है, बस डिस्काउंट तो पता ही आपको डेबिट होता है, कुक एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,00,000 ही होगा, ये तो बुक में आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता है वैसे डिस्काउंट ऊपर लीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, और नीचे आपको जानते ही हैं 2 बैंक और इक्विटी शेयर्स तो कंटिन्यू है क्योंकि बुक में बोला ही है इस तरीके से वो पेमेंट किया है, तो 2 बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखिए, यहाँ भी आप बैंक या कैश लिख सकते हैं क्योंकि बुक में कैश रूप में ही भी किया है। तो 80,000 रुपया ये हो गया, बैंक या कैश लिखे जो भी, 80,000 बुक में ही ये दिया हुआ था आपका, ये सब जगह देखिए वही दिया हुआ है बुक में, ये रहा बुक में दिया हुआ है ना, यही 80,000 तीनों जनरल में आए हैं आपके, तो
तो बैंक या कैश लिख के 80,000 आपने दिखा दिया, ठीक है। अब इसका भी शेयर निकालना पड़ेगा। देखिए इसका शेयर निकला एट पार के हिसाब से, कोई कैलकुलेशन नहीं, उसी को एट पार बोलते हैं। प्रीमियम आ गया तो वो हो गया आपका एट प्रीमियम के रूप में, इसका शेयर्स निकला प्लस होता है प्रीमियम में, जैसे मैंने 10 और प्लस 2 12 हो गया। डिस्काउंट में घट जाता है क्योंकि कम होता है डिस्काउंट मतलब ही, तो इसका भी शेयर अलग होगा। तो अब इसका शेयर निकालिए नोट नंबर 3 में, देखिए वही 8 लाख आपका ये था, 8 लाख में 80,000 आपका बैंक या कैश के रूप में आप पेमेंट किए ही हैं, बुक में ये भी दिया हुआ है। तो बचा कितना, 7,20,000 सेम वैसे ही। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है आपको 10 रुपया का 20% डिस्काउंट है, ये देखिए 20% डिस्काउंट, तो सेम यहाँ कटा तो बचा 2 रुपया। सेम प्रीमियम में जैसे 2 रुपया आया वैसे ही डिस्काउंट में भी आया, बट यहाँ माइनस होगा क्योंकि डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है। तो यहाँ 8 रुपया ये हो गया, इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको 90,000 का शेयर मिल गया। अब इस 90,000 शेयर से देखिए, डिस्काउंट का आपका 2 रुपया था, 90,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1,80,000 हो गया, ये भी आपको बुक में ही था, ये मिल गया। बैंक आपका ये बुक में ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर 90,000, 10 रुपया फेस वैल्यू तो बुक में पहले ही बोला था, जो 10 रुपये में निकाल रहे हैं आप, ये 10 रुपया वही है ईच रुपीस इक्विटी शेयर का, सब में जो निकाले हैं, मतलब सब में क्या प्रीमियम और डिस्काउंट में जो निकाले हैं, 90,000 10 करके 9 लाख किसका हो गया, दोनों को ऐड कीजिए इतना मिल जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये रहा उसका वर्किंग नोट नंबर, सबका शेयर्स और कैसे निकाले मैंने ये देख लीजिए, ये डिस्काउंट का है, ठीक है, और ये प्रीमियम का है, ठीक है। प्रीमियम में ऐड होता है ना, बढ़ता है, और डिस्काउंट मतलब घट जाना, ठीक है। और ये आपका जर्नल। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को भी ट्यूशन पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो भी समय आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। क्लास 11 का भी मैं वीडियो छोड़ूंगी, मैं एक अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों को क्या है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं पूरा 12 का सोच के, फिर नहीं तो मैं मिड में ही अभी 11 स्टार्ट करूंगी कुछ दिनों के लिए। चलिए थैंक यू, बाय।